भारतीय सवर्ण महासभा के तत्वावधान में आज एक आरक्षण के विरोध में मुंडन कार्यक्रम का आयोजन गांधी पार्क में किया गया। संजीव उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में लगभग आधा दर्जन लोगों ने मुंडन कराते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया और जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो ऐसी सरकार से मांग की। भारतीय सवर्ण महासभा द्वारा आज आरक्षण के विरोध में एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम किया गांधी पार्क में। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुंडन कराया, उन्होंने सरकार के खिलाफ भी रोष जताया। सवर्ण संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि आरक्षण जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर हो। सवर्ण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव उपाध्याय के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सवर्ण समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आधा दर्जन सवर्ण संगठन के पदाधिकारियों ने अपना मुंडन कराते हुए विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि सरकार आरक्षण पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करे। अध्यक्ष भारतीय सवर्ण महासभा, आज का हमारा कार्यक्रम भारतीय सवर्ण महासभा के तत्वाधान में हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है आरक्षण। आरक्षण गरीबों को होना चाहिए। गरीब हर कास्ट में है, कास्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, या वो SC हो या ST हो, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए और गरीबी के आधार पर ही इसका जो है आरक्षण होना चाहिए। तो नहीं कर रहे हम लोग, गरीबों को आरक्षण की मांग कर रहे, इस पर हम समर्थन चाहते हैं केंद्र सरकार का। हमारी व्यवस्था को केंद्र सरकार लागू करे और गरीबों को नौकरी में आरक्षण मिले, हर चीज़ में आरक्षण मिले। बेरोजगार श्रमण घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिले और स्थिति बहुत ख़राब है श्रमणों की, इसलिए हम लोग जो है पूरी तरीके से आगे भी हम सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ये व्यवस्था बताते हैं। वो है पार्टियों की चापलूसी बंद करके अपने समाज की ओर देखें, क्योंकि आज जो स्थिति चल रही है 60 साल से हम ये झेल रहे हैं, आगे की स्थिति और हृदय विदारक है। कृपया वो चापलूसी बंद करके और समाज की नेतागिरी करें। सभी लोग अपने समाज के लिए जागृत हो रहे हैं, पर ये ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज और ठाकुर समाज ये चापलूसी में ही लगा हुआ है। जब तक ये चापलूसी बंद नहीं करेगा तब तक हाई कास्ट की कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको तो हाई कास्ट का वोट चाहिए। इनके हाई कास्ट के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, हाई कास्ट पे अत्याचार से कोई मतलब नहीं है। मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन हाई कास्ट के महान नेताओं को सद्बुद्धि दे कि वह अपनी कौम के लिए एक बार आवाज़ तो उठाएं। हर एक के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए कभी नहीं उठा पा रहे। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले श्रवणों का विरोध किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश आया तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करके ये दर्शाया कि हम हाई कास्ट के साथ नहीं है, हमारी पार्टी दलितों की है, मुसलमानों की है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि अपना किसी का भला ना देखें, सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखें, अपने समाज का भला देखें, अपने हित की बात करें। क्योंकि 60 साल से आपने दूसरों के हित की बात कर करके अपने समाज को नीचा दिखाया है, शर्मसार किया है। मेरा फिर निवेदन है उन मताधीशों से जो चापलूसी करते हैं बड़े नेताओं की और अपने समाज के लोगों की बेइज्जती करते हैं, अगर ये स्थिति अगर सही नहीं हुई तो आगे जाके स्थिति और हद-ए-बरारक होगी। आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। बुद्धिजीवी तो आप कहते हैं पर आप बुद्धिजीवी नहीं हैं, अपने समाज का कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मेरी उनसे फिर निवेदन है ब्राह्मण समाज के मठाधीशों से जो राजनीतिक पार्टियों में फेसबुकों पर अपना आंदोलन करते हैं, कृपया वो समाज में आकर भी तो करें, दिखाएं कि समाज ब्राह्मण समाज भी एक है। देखा आपने, कल देखा, परसों देखा, सारे समाज एक हैं और हमारे लिए ही एक हैं। जबकि हम उनका भला कर रहे हैं, पढ़ाया हमने उनको, उन्हीं को हमने खिलाया, आज वो हम पे ही घुर्रा रहे हैं। मेरा समाज से विनम्र निवेदन है, समाज के उन मठाधीशों से कि वो ध्यान रखें। फिरोजाबाद में सवर्ण महासभा के पदाधिकारियों ने आज मुंडन करते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और जिस तरह अन्य जाति के लोग, एक जात विशेष के लोग आरक्षण को लेकर हंगामा कर रहे हैं, उसका विरोध करते हुए आज मुंडन कराते हुए एक मैसेज देने का प्रयास किया है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का आंदोलन है और क्या मांग है आज? भारतीय सवर्ण महासभा
काफ़ी वर्षों से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करती चली आ रही है। हमने कई बार जिलाधिकारी फिरोजाबाद और अन्य जिलों में ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से मांग की थी कि हमको भी आरक्षण दिया जाए। हर जात को आरक्षण मिल रहा है, हमारे गरीब श्रवण समाज के लोग उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसी के तहत हमने आज केंद्र सरकार को जागृत करने के लिए कि वे सोए हुए हैं कुंभगढ़ की नींद में, इसलिए उनको हमने यहाँ सिर मुंडन कराकर ये संदेश दिया है कि अब हम भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे समाज में वो भी पिछड़ते लोग जा रहे हैं और सामान्य और जो भी एससी बीसी के लोग हैं वे आज तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति पर आरक्षण की हम वकालत कर रहे हैं। प्रजा ये आंदोलन आपका किन किन जिलों में चल रहा है और कब तक जारी रहेगा? हमने फिरोजाबाद आगरा में आंदोलन कर चुके हैं और मंडल में इसको पूरे तरीके से ले जाने की तैयारी में है और इसी तरीके से हम और मंडल में फैलाएंगे इस कार्यक्रम को, जिससे श्रवण एक मंच पर आए और जब आज श्रवण एक मंच पर आएगा तभी हमारा समाज का भला होने वाला है। साफ तौर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर अब बकाला शुरू हो गई है। श्रवण महासभा ने फिरोजाबाद से शुरुआत की है, उद्देश्य यही है कि लोगों को जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए।